नमस्कार, आप सबका स्वागत है योग आर्य यूट्यूब चैनल में, जो कि आपके लिए लाता है नित्य नए योग, प्राणायाम और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां। तो इसी श्रृंखला में आज हम दोबारा आपके पास आए हैं नया योगासन लेके, जिसका नाम है कंधारासन या सेतुबद्धासन, जिसे इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस आसन को हम करते कैसे हैं। पहले आपको बता दें, ये बहुत ही उपयुक्त आसन है आपकी कमर के लिए, और इसको करने की कुछ सावधानियां भी हैं। इसके किसी आप योग निरीक्षक के अंदर ही, उसकी देखरेख में ही इसे करें। तो सबसे पहले अपने पैरों को हम फोल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने हिप्स के पास तक उसे लेके आएं, और नीचे अपने हिप्स उठाकर दोनों अपने फिंगर का इंटरलॉक लगा के लगाएंगे, और इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है जितना आप ऊपर उठा सकें। आपका चिन लॉक लग जाएगा, आपकी जो चिन है वो आपके जो कंठकूप है उसके अंदर जो है उसमें लॉक लग जाएगा, और आप यथाशक्ति जितने भी श्वास आप रोक सकें आप इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और एक्सहेल कर देंगे, और फिर आपके नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलती रहेगी इस पोजीशन में। आप कोशिश ये करें कि आप जो है इसमें सही पोजीशन में लाएं, आपके जो पैर हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, आपकी कमर सीधी हो, एक ब्रिज की भांति आपका शरीर दिखे, और इस तरह से आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है। इसको करने के दो तरीके हमने पहला आपको बताया, जिसमें आप फिंगर इंटरलॉक लगा सकते हैं अपनी कमर के नीचे, अपने हाथों के अपने हिप्स के नीचे रख के। इसके एक दूसरा तरीका भी है जो हम आपको अभी आगे इस वीडियो में ही बताएंगे। तो इसको अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप इसको करें, बहुत ही उपयोगी आसन है, और इसको इनहेल करते आपको ऊपर उठाना है। इससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपके पैरों में आपको जो है इसमें थाई मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और आपका नर्वस सिस्टम पे भी आपका कंट्रोल आने लगता है। तो इसी आसन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले आप लेट जाइए और उसी तरह पुनः अपने पैरों को अपने हिप्स के पास तक फोल्ड कीजिए। आप अपने हिप्स के पास तक अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, जितना पास आपके पैर होंगे आपके हिप्स के उतना ही अच्छा आपका कंधार आसन लगेगा। तो आपको अपने हिप पैर जो हैं अपने हिप्स के पास में रखने हैं, कोशिश ये करनी है बिल्कुल सटा ले पैरों को, आपके हाथ आपके पैरों तक पहुँचे, और अगर नहीं पहुँचते तो आप इस तरह से आगे जा सकते हैं, और इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। आप अपने पैरों पे अपने जो एंकल्स हैं उन पे अच्छी पकड़ बना लें, अच्छे से आपको पकड़ना है उनको, और इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर उठना है। ध्यान रहे, एक बार फिर हम आपको बता दें, जब आप इनहेल करके ऊपर उठेंगे तो आपको ऊपर जाते ही अपनी जो श्वास है उसको रिलीज करना है, और नॉर्मल श्वास प्रश्वास फिर आपका चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा तरीका है ब्रिज पोज करने का, कंधारासन करने का या सेतुबद्धासन करने का, जिसे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले जो योगासन के वीडियोज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड टिप्स हैं, वो आपको समय से मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। हमें एक बार फिर से आपकी सेवा कर देने का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। मेरु आपके जो है मेरुदंड है उसमें इससे बहुत ही जो है शक्ति का संचार होता है, तो इसलिए आपको कंधार आसन जो है या सेतुबद्धासन, जिसे इंग्लिश में ब्रिज पोज कहते हैं, उसको करना चाहिए। तो योगार्य जो YouTube चैनल है वो आपके लिए, जो आप जानते ही हैं, नित्य योग लाता है। आप हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड और योग से रिलेटेड पोस्ट चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट yogarya.com पर। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बहुत कुछ इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आपको रोगों के विषय में आप पढ़ सकते हैं, रोग के बारे में जान सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर जो ब्लिंक कर रहा है yogarya.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। आप इसे अगर गूगल में टाइप करेंगे तो ये निकल के आएगा। yogarya.com टाइप कीजिए तो आप सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो ये था कंधारासन। योगार्य YouTube चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।